श्री श्री रविशंकर शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्हें चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी संजय बेनीवाल द्वारा आमंत्रित किया गया था। उनको बुलाने का मकसद पुलिस के लिए एक योग कार्यशाला का आयोजन करना था, जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मियों को काम के दौरान शांत रहने के तरीके बताए। हमारे बच्चे स्कूल चल के जाते हैं, मैं दौड़ के बाद घर आते हैं, तब तो हमने कहा स्कूल ठीक नहीं है। ठीक स्कूल क्या है? बच्चे दौड़ के स्कूल जाएं और चल के घर वापस आए। शिक्षा पद्धति में हमें ये बदलाव लाना पड़ेगा, जहां बच्चों को अच्छा मैं ये को सीखने के लिए कोई मजबूर ना करना पड़े, उनको अपने आप से वो रुचि बन जाए। डीजीपी संजय बेनीवाल ने कहा कि पुलिस के कर्मचारी काफी दबाव में काम करते हैं और वह दिन और रात लगातार काम करते रहते हैं, जिससे पुलिस कर्मियों के भीतर तनाव भी पैदा हो जाता है। उसी तनाव और दबाव को कम करने के लिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया है, ताकि पुलिस कर्मी इसका लाभ उठाए और बिना दबाव और बिना तनाव के आराम से अपना काम कर सके। हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है कि हम सही दिशा में कदम उठा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सिपाहियों को उनके आत्मिक जो उनका असली स्वरूप है उससे जोड़े। रोजमर्रा के तनाव से वो अलग गैप हो जाता है, उसको जोड़ने की प्रक्रिया है और ये बहुत कारगर। किसी तरह का शेड्यूल है सर, वर्कशॉप्स का भी अलग अलग ट्रैफिक उनके लिए अलग अलग नहीं अलग। पुलिस का जॉब हर एक बहुत टेंस है, तो मेरे जो रिक्रूट्स हैं उनके लिए भी बेसिक ट्रेनिंग में भी इसका बहुत बड़ा हम कार्यक्रम रखेंगे, और जो डे टू डे वर्किंग में है उनका तो लगातार ही होता रहेगा कि जिसको हर 3 महीना में, हर 2 महीना में, हर 5 महीना में जितनी बार भी जल्दी रिपीट करा सकें उनको रिपीट कराया जाएगा। इट इज गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए दीपक चौहान की रिपोर्ट।